हेलो दोस्तों, मैं करण कंप्यूटर मेगामार्ट से आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो हायर एंड पीसी को लेकर आया है। तो आपको बताएंगे पीसी के ऑल पार्ट्स के बारे में, और ये पीसी बहुत ही बेहतर बनने जा रहा है बिकॉज ये एक एडिटिंग यूज़र है उसके लिए बन रहा है। बहुत ही प्रोफेशनल यूज़र है जो कम्प्लीटली स्टूडियो वर्क्स और हाई एंड सॉफ्टवेयर फोटोशॉप जो यूज़ करते हैं उनके लिए है। और ये हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे उन्होंने पूरा आइटम कम्प्लीटली सजेशन किया हुआ है, वही आइटम हम अरेंज करके ये वीडियो आपको बता रहे हैं कम्प्लीटली कि उन्होंने क्या क्या आइटम सजेस्ट किया है, और वही आइटम है हम आपको दिखा रहे हैं जो कम्प्लीटली उन्होंने अपने हिसाब से चॉइस किया है। तो MSI का एक बहुत ही बेस्ट सीरीज़ है मैग X570 टॉमहॉक वाईफाई सीरीज, जिसमें वाईफाई बिल्ट इन है और इस मदरबोर्ड में 4 रैम स्लॉट है और इसमें M.2 भी 2 स्लॉट है, और बहुत ही बेहतर मदरबोर्ड है जिसमें ओवरक्लॉकिंग और हाई एंड से हाई एंड ग्राफिक कार्ड भी अपन लगा सकते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे आपको इसके प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर जो है इसका AMD Ryzen 9 प्रोसेसर है, जो बहुत ही बेहतर प्रोसेसर है AMD Ryzen 9 सीरीज में, जिसका कोर रहेगा 12 कोर और 24 थ्रेड है, प्लस ये Zen 3 प्रोसेसर है और बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर है Ryzen में, जिसका मॉडल नंबर है 5900X। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके रैम के बारे में। तो उन्होंने रैम सजेस्ट किया है, इसका रिप जो है जी स्किल का रैम आता है, ये 32 GB का रैम है और जो कम्प्लीटली ब्लास्टिक रैम है, और जो है मेटेलिक रैम है जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बेहतर स्पीड रहेगा, जिसका स्पीड है 3600 FSB। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके SSD के बारे में। SSD इन्होंने बहुत ही हैवी क्वालिटी का लिया है, जो ब्रांड है सैमसंग का, जिसका स्पीड रहता है पर सेकेंड 3500 MB, और बहुत ही बेहतर आइटम है ये। इसका जो स्लॉट है वो रहेगा NVMe स्लॉट के साथ में है, और 1 TB SSD है। इन्होंने साथ में उनका डाटा ज़्यादा यूज़ रहता है, बहुत ही हैवी वर्क रहता है सॉफ्टवेयर ए फोटोशॉप का, कम्प्लीटली वीडियोस बहुत ज़्यादा उनके रहते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया हमको कि हमको 6 TB का हार्ड ड्राइव लगाइए, तो हमने 6 TB का उनको सीगेट का हार्ड ड्राइव दिया है जो कम्प्लीटली 10,000 RPM के साथ में है, और बहुत ही अच्छा हार्ड डिस्क सीगेट का है, वन ऑफ द बेस्ट हार्ड ड्राइव बोल सकते हैं इसे, जो 6 TB में आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके कूलर के बारे में। उन्होंने उनका पसंदीदा एक नेक्टुआ जो कूलर है, नेक्टुआ ब्रांड का है, NHD15, जो इन्होंने सजेस्ट किया है। हालांकि ये कम्प्लीटली लिक्विड कूलर नहीं है, नॉर्मल कूलर है। इसका लुकिंग भी बहुत बेटर दिया हुआ है, हैवी लुक क्वालिटी है इस फैन का, और बहुत ही बेहतर इसमें कॉपर यूज़ किया हुआ कम्प्लीटली। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके SMPS के बारे में। SMPS जो इन्होंने लिया है वो कूलर मास्टर का लिया है, दैट इज़ कमिंग 650 वाट। 650 वाट इस सिस्टम के लिए बहुत ही एनफ SMPS है, जिसका वारंटी 3 ईयर्स वारंटी रहेगा, और ये कम्प्लीटली आप 24 आवर यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम को, अपने PC को कम्प्लीटली। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो उनका हालांकि उनका वर्क कम्प्लीटली पूरा स्टूडियो वर्क्स है और कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर एडिटिंग यूज है, तो उन्होंने ग्राफिक कार्ड सजेस्ट किया है 2060 उनके बजट के लिए बहुत ही बेहतर ग्राफिक कार्ड था, और जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये ग्राफिक कार्ड है, प्लस 3 ईयर्स वारंटी के साथ में आएगा। इसमें आसूस, MSI, गीगाबाइट, गैलेक्स बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो ये 2060 जो आएगा आपको 6 GB के साथ में आएगा, प्लस ये ओवरक्लॉक स्पीड भी होता है, इसमें ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, उसी एडिशन है ये, कम्प्लीटली उसी एडिशन के साथ में आपको ये ग्राफिक कार्ड 2060 अवेलेबल है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके कैबिनेट के बारे में। तो उनको कुछ वाइट कलर का कैबिनेट चाहिए था, जिसमें अवेलेबल बहुत अनदर ब्रांड भी अवेलेबल थे, लेकिन जो अभी लियानली ने जो नया कैबिनेट लॉन्च किया है उसका लुक बहुत ही बेहतर है, जिसमें फ्रंट में आपको 2 फैन आते हैं 240mm के RGB फैन, और बैक साइड में एक फ़ैन आता है 120mm का, वो भी RGB फैन है, और कम्प्लीटली फुल्ली ग्लास लुकिंग कैबिनेट है। जब इसमें असेंबल होगा तो इसका लुक बहुत ही बेहतर आएगा इस सिस्टम का, और बहुत ही कूल एंड कैबिनेट है, लुक भी बहुत ही नया है। इसके बाद में उन्होंने हमसे मॉनिटर जो लिया है वो 24 इंच का सैमसंग का फुल HD LED मॉनिटर है, जिसका वारंटी 3 ईयर्स आता है, और ये फुल्ली IPS पैनल है, और ये 144Hz के साथ में इनको दिया गया है 24 इंच का सैमसंग मॉनिटर, कम्प्लीटली फुल HD है, जिसका लुक बहुत ही अच्छा रहेगा। जब असेंबल होने के बाद में इसमें जो चलेगा सॉफ्टवेयर वो बहुत ही क्लियर PC रहेगा। तो ये कम्प्लीट सिस्टम हम इनको बना के दे रहे हैं 1,95,000 रुपीज़ में। ये बहुत ही अच्छे बजट में और बहुत ही हायर PC बनने जा रहा है, बिकॉज इसमें रैम 32 GB का लग रहा है, 1 TB SSD लग रहा है, 6 GB का
6 TB का हार्ड ड्राइव लग रहा है, प्लस 2060 ग्राफिक कार्ड लग रहा है, और मेन थिंग जो प्रोसेसर है वो राइजोन 9 प्रोसेसर हम इसमें लगा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतर प्रोसेसर है इस सिस्टम के लिए। तो कम्प्लीटली सिस्टम हम आपको 1,95,000 रुपीज़ में इंक्लूडिंग ऑल टैक्स बता रहे हैं। तो उनको भी यही कम्प्लीटली जो भी उन्होंने कम करवाया प्राइस वो लिस्ट होके 195 में हमको ये सिस्टम पड़ा है। तो बहुत ही बेहतर पीसी रहेगा आपको। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे हम वीडियो आपके सामने बनाते रहेंगे। जो भी हमको सिस्टम सजेस्ट होगा वो आपको बेहतर पीसी और क्वालिटी के साथ में वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।